नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी 3-4 दिन पहले अभिषेक मनु सिंघवी, डेरक ओब्रायन, कुछ दूसरे दलों के नेता इकट्ठे होकर के चुनाव आयोग पहुंचे। उनकी परेशानी ये थी, उनका ऑब्जेक्शन ये था कि साहब फर्स्ट सेकंड फेज के जो अल्टीमेटली जो फाइनल आंकड़े पेश किए गए उनमें 10-11 दिन लगा दिए चुनाव आयोग ने। और ऑन कैमरा अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब हमें लगता है कि कुछ मैनुपुलेशन किए गए हैं, इसलिए इतने दिन लगाए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी अजीबोगरीब बयान दिया गया और एक चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी भी लिख मारी। तो उस पर चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ये सलाह दी गई कि साहब आप एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, आपकी तरफ से बिना तथ्यों को जाने अगर इस तरह की बातें कही जाएंगी तो ये ठीक नहीं होगा, इसके मैसेज गलत जाएंगे और समाज में भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, राष्ट्र पर भी पड़ सकता है। आज एक्चुअल में इस प्रोग्राम के जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ, अभिषेक मनु सिंघवी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, जितने भी ये जी हैं, इनको ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक्चुअल में ईवीएम हैक कैसे करते हैं। कुछ वीडियो हैं जो बताएंगे आपको भी, इनको भी, कि नरेंद्र मोदी अगर इस कदर लोकप्रिय हैं कि 2014 में भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2019 में भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी और लगातार तीसरी बार भी उसी तरफ बढ़ते हुए अगर दिखाई दे रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। तो सीधे जुड़ते हैं प्रयागराज से, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। अनुपम जी, सबसे पहले हम कुछ रोड शो देख लेते हैं। ये अलग अलग राज्यों के रोड शो हैं और इनसे पता चलता है कि लोगों की आंखों की चमक क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, नरेंद्र मोदी के प्रति उनका जो वैराग्य है वो किस स्तर का है। अनुपम जी, क्या किसी और नेता के रोड शो के समय लोगों में इस कदर उत्साह, इस कदर उनके प्रति विश्वास दिखाई देता है जैसा नरेंद्र मोदी के रोड शो में दिखाई देता है? बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि साहब बीजेपी भीड़ जुटाती होगी, वही बीजेपी या संगठन के लोग ही इनको इनके हाथों में पुष्प वगैरह दे देते होंगे, वो ही तमाम चीजें ऑर्गेनाइज करती होंगी। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आंखों की चमक है, जो उत्साह है,
जो लोग नृत्य करने लगते हैं मोदी को देख करके, जिस तरीके से अपने मोबाइल फोन के कैमरे ऑन कर देते हैं, उन क्षणों को अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मैंने किसी और नेता के रोड शो में तो नहीं देखा। देखिए आप रोड शो दिखा रहे थे, ऐसा तो मुझे याद आ रहा था चेन्नई का रोड शो, साउथ इंडिया का रोड शो जिसने उन्होंने अरामलाई के साथ किया, वो बड़ा जबरदस्त था। वो इसलिए जबरदस्त था क्योंकि वो तमिलनाडु एक ऐसी जगह मानी जाती, जब मोदी पहली बार गए थे तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया था मोदी गो बैक। अच्छा उसके बाद तो वो लगातार जाने लगे, तो जो पहली बार ट्रेंड हुआ था मोदी गो बैक, वो दोबारा ट्रेंड नहीं हुआ। वो दोबारा ट्रेंड क्यों नहीं हुआ? वो पहली बार उनको वो रिस्पॉन्स मिला कि दोबारा ट्रेंड करने की हिम्मत नहीं। तो वो चूंकि तमिलनाडु में बीजेपी की कोई प्रेजेंस नहीं बताई जाती, ऐसे में वहां पे जो उनको जन समर्थन मिला वो रोड शो मेरे लिए बहुत, मतलब अगर मैं मोदी के लिहाज से देखूं तो दो रोड शो मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक वो कोयम्बटूर वाला और एक जब इन्होंने बनारस से पहला रोड शो किया था साहब, वो जीत रहे हुआ, वो बड़ा साहब मतलब तो कमाल ही था, मैं आपको कैसे बताऊं, तो उसका तो मैं साक्षी रहा हूँ, गजब ही था वो तो। बहरहाल रोड शो से मैं क्या पॉपुलैरिटी जांचू, सबसे बड़ा देखिए पॉपुलैरिटी अगर आपको जांचना है तो यही देख लीजिए कि लोगों से पूछ लीजिए, लोग अपने सांसद का नाम नहीं जानते ओंकार जी, वो कहते हैं हमने वोट मोदी को दिया है। मुझे याद है कि वो हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर थे, उनके साथ मैं जाता था गांव गांव सर्वे करने, तो मैं देखता था तो वहां लोग कहते थे कि मोदी 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 मोदी। तो मैंने पहले भी कहते हैं भाजपा के इलाकों में देखा, वहां कमल का फूल कहते थे और फूल कहते थे, ये पहली बार मैंने एक नेता का नाम सुना। मैंने अटल जी के जमाने में भी देखा, कोई अटल अटल कहता नहीं मिला मुझे, तो वो एक मोदी 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 वो एक नजर आता है, एक क्रेज नजर आता है। और इस बात से तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी भी इनकार नहीं कर सकते कि मोदी एक अत्यंत पॉपुलर लीडर हैं, एक ऐसे लीडर जिनको कोई राष्ट्राध्यक्ष पैर छू लेता है तो कोई राष्ट्राध्यक्ष सिग्नेचर ऑटोग्राफ मांग लेता है, कोई राष्ट्राध्यक्ष उनको बिग बॉस कह देता है, तो कोई राष्ट्राध्यक्ष कुछ, मतलब उनका तो एक उनकी है पॉपुलैरिटी। अब उस पे उसको उसको झूठलाना, उसको डिनाई करना बहुत बड़ा झूठ होगा उसके लिए, मतलब आप ठीक है आप कहते जाइए। और मोदी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, आप ही कहते हैं कि साहब हम बड़े पॉपुलर है ऐसा वैसा, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो फिर आपके पास ईवीएम को दोष देने के अलावा और कोई जरिया बचता नहीं। बिल्कुल सही बात है। एक वीडियो और मैं प्ले करता हूं, इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय एक्चुअल में क्यों है, देख लेते हैं इसको भी। माता जी को एक चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को वो चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे, आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी, बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। Thank you.
भी है कि हमने भी हम सबको अपने सामने से देख पाए और हम अंदर से इतने नर्वस थे उनसे पहली बार मुलाकात होने के लिए कि हम कैसे उससे मतलब इंटरेक्ट करें, लेकिन वो बहुत मतलब अच्छे से हमारे साथ उनकी बात भी हुए, हमने जय श्री राम की ध्वनि भी दी। भगवान देखे आज के हमारे सबसे बड़ो पावा बीजेपी को हमारे एक प्रधान लक्ष्य छो तो आज के हमारे सार्थक बीजेपी करते पे अनुपम जी। ये जो लास्ट वाला वीडियो था ये पश्चिम बंगाल का है, वहाँ पर कुछ बेटियाँ और कुछ 40+ महिलाएं हमने देखी हैं, वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी से बस ये आग्रह कर रही थी, विनती कर रही थी कि बस आप हमारे सिर को एक बार टच कर दीजिए, हमें आशीर्वाद दे दीजिए। और एक युवक था जो इतना भाव विह्वल हो गया मोदी के केवल कंधे पर हाथ रखने से और छूने मात्र से कि वो बोल नहीं पा रहा था, उसका गला भरा हुआ था। इससे पहले भी सभा में जो वीडियो के प्रारंभ में था, एक बुजुर्ग महिला को देख करके उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई उनको चेयर दीजिए। कुछ बेटियां जो बहुत कम उम्र की हैं, अभी 20 साल की भी नहीं है, वो उनके चित्र बना करके लेकर आती हैं और उनको भी नोटिस करते हैं, अपनी SPG के जवानों को भेज करके मंगवाते हैं। और पिछले दिनों हमने एक नोट किया था, उन्होंने एक बेटी को ये कहा था कि बेटा आप अपना एड्रेस भी दे दीजिएगा, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। ये जो सेंसिटिविटी है और ये छोटी छोटी बातों को जिस तरीके से वो कैप्चर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं लोगों को और उनका दिल जीतते हैं, मैं तो कहता हूं कि यही तो EVM हैक कर रहे हैं वो। देखिए, अगर सेंसिटिविटी की बात है तो फिर मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा। भारत में आप कह दीजिए कि पैसे देके लोग लाए जाते हैं, लेकिन वो जब अमेरिका में आते हैं, यूरोप में आते हैं, उनका क्या? ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति उनसे अपना प्रचार कराते हैं कि मोदी जी आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, आपको देख के लोग बावले हो जाते हैं, उसका क्या? एक तो ये। दूसरी बात, अगर मोदी जी का आप स्टाइल आप देखना चाहते ही हैं तो अगर कोई एक चीज, एक घटना, एक बात जिसको पकड़ के मैं नरेंद्र मोदी का स्टाइल बताऊं तो मैं पद्म अवार्ड्स को मानता हूं। पद्म अवार्ड्स बताता है कि नरेंद्र मोदी क्या है और उन्होंने क्या चेंज लाया। वो अवार्ड जो फिल्मी सितारों को मिलता था, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और पता नहीं किसको किसको मिलता था, वो अवार्ड अब कैसे कैसे लोगों को मिल रहा है, उन टैलेंटेड लोगों के जिनके पैर भी नहीं है, वो वृद्ध लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी पता नहीं कितने बड़े बड़े काम करते गुजार दी, उन्हें जिंदगी में कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हमें कोई रिकॉग्निशन मिलेगा, कोई पहचान मिलेगी। तो अगर नरेंद्र मोदी को किसी एक चीज से जज करना हो तो मैं पद्म अवार्ड से जज करूंगा। वो पद्म अवार्ड जो आज दशकों से तमाशे हो रहे थे, आप मतलब किसी भी फिल्मी सितारे को दे दिया, किसी भी अपने घर के आदमी को दे दिया, किसी भी वकील को दे दिया, किसी भी राजनेता को दे दिया, अब वो जो लिस्ट आती है तो एक बार देख के हैरत होती है कि यार हम लोग के देश में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम भी किए, और नरेंद्र मोदी नहीं होते तो कभी किसी को पता ही नहीं चलता। उन्होंने साहब 10 साल में इतनी ढेर सारी एक झड़ी लगा दी, एक सीरीज लगा दी। ये देखिए, ये वो एक अंतर है जिसका मैं दावा कर सकता हूं कि कोई विरोधी भी इसको आके सामने, और देखिए ओंकार जी इसको आप सोचिए, आज बड़ी बात कहने जा रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने जो भी काम किया कितना भी अच्छा क्यों नहीं किया, विपक्ष ने उसकी आलोचना अवश्य की। अगर उन्होंने किसानों को पैसे भी दिए तो उसकी आलोचना, अगर उन्होंने अनाज भी दिया फ्री में तो उसकी भी आलोचना हुई कि साहब आप लोगों को बेकार बना रहे हैं, ऐसा है वैसा है, उन्होंने वैक्सीन भी लाई, सब चीज की आलोचना हुई। एक चीज जिसकी 10 साल में कभी किसी नेता या किसी पोलिटिकल पार्टी ने आलोचना नहीं की, वो पद्म अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण। तो ये क्यों, वो इतना रिवोल्यूशनरी स्टेप था, इतना रिवोल्यूशनरी स्टेप था। आप देखिए, जब शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने जनधन अकाउंट्स खुलवाए, मुझे याद है कैसे कैसे मीम्स बने कि साहब घर में दाना नहीं और आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं,
50 करोड़ अकाउंट खुलवा के आप बैठे, कितना मजाक बना। लेकिन जब वो डायरेक्ट बेनिफिट नजर आया, जिसको राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा चला जाता है, तो अब 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया पहुंच गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, जिला परिषद, ग्राम प्रधान, सबको बाईपास कर दिया। उस समय आपको समझ नहीं आया कि साहब डायरेक्ट बेनिफिट क्या है। जब आप अपने फोन से आईफिल टावर पे हिंदुस्तानी मुद्रा में पेमेंट करना शुरू किया, आपने दुनिया के तमाम मुल्कों में करा। अब देखिए, मतलब ठीक है, आप कह लीजिए, आपको जो इच्छा हो कहना कह लीजिए। और ये होगा कि साहब वो तो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, चलिए ठीक है, भक्त मान लीजिए जो भी है, लेकिन जो बात सच है वो सच है भाई। पद्म अवार्ड्स के जरिए नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि किस तरह देश के आखिरी आदमी पर उनकी नजर है। वो आखिरी आदमी, वो गरीब आदमी, वो सब्जी वाला, वो छोटे छोटे काम करने वाला शख्स जिसके ऊपर कभी उस इलाके की सभासद की नजर नहीं पड़ी ओंकार जी, उन लोगों को बाकायदा राष्ट्रपति भवन बुलाया गया। ये बात बिल्कुल सही बात कही है आपने। हम देखते हैं कि रेड कारपेट पर कैसे कैसे लोग अब चलते हुए दिखाई देते हैं, राष्ट्रपति तक जाते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ तो इतने उम्र दराज होते हैं कि राष्ट्रपति खुद उनके पास चल करके आ जाती हैं, ताकि उनको कष्ट ना हो सीढ़ी चढ़ने में और पोडियम पर आने में। अब क्या क्या कंपैरिजन करेंगे 70-70 साल के आदमियों से सुनीता केजरीवाल पैर छुआ रही है, वहां नरेंद्र मोदी 15-15 साल की लड़कियों के खुद पैर छू रहे हैं, बुजुर्गों के पैर छू रहे हैं, और आप 70 साल के आदमियों से खुद पैर छुआ रही हैं। क्या कोई मतलब कोई तुलना है, कोई तुलना है? आप बताइए, आज वो लालू यादव के लड़के ने अपने ही प्रदेश महासचिव को थप्पड़ थप्पड़ मार के स्टेज से भगा दिया। क्यों? उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि अति उत्साह में उस शख्स का पैर तेज प्रताप के पैर पे पड़ गया। मीसा भारती को आपने देखा पत्रकार के भाग यहां से, अफजाल अंसारी पैर का जूता उतार के कह रहे हैं इस जूते में पानी भर के मीडिया को पिलाऊंगा। अब देखिए, मैं तो आज एक सूची बना रहा था ओंकार जी, मतलब आप जरा देखिए, आप मैं देखिए बताता हूँ आपको। तेज प्रताप बताया, मीसा भारती बताया, अफजाल अंसारी बताया, गुंटूर में मैं देख रहा था जगनमोहन रेड्डी की विधायक वोटर को थप्पड़ थप्पड़ मार रहे थे, तेलंगाना में कांग्रेस नेता वोटरों को लात मार रहे थे, मलका नगरी में बीआरएस के जो नेता थे वो वोटरों को गालियां दे रहे थे, निजामाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी के साथ चल रहे थे जिन्होंने एक वृद्ध महिला को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया कि वो प्रत्याशी को पहचान नहीं पाई और वो हंस रहे थे। हाँ, तो आप सब कितने इनसेंसिटिव हो रहे हैं आप। और वही बात है ना, जैसे मुझे याद है एक बार उन्होंने सुरजेवाला ने कहा था कि जो भी हमारे खिलाफ है वो सब राक्षस है। हाँ हाँ, जब आप जनता को राक्षस मान रहे हैं तो आप लात से मार रहे हैं, जूते से मार रहे हैं, आप गालियां दे रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, जनता राक्षस। मतलब खुले मंच से उन्होंने कहा था कि जो भी हमें वोट नहीं देता वो राक्षस है और मैं सूर्जेवाला उनको श्राप देता हूं। आपको याद है कि नहीं याद है? बड़ा पॉपुलर वीडियो हुआ था। तो मतलब श्राप दे, तो जब आप जनता को, अरे साहब केवल मान लीजिए बनावट के लिए ही, केवल मुंह छूने के लिए ही, पर कम से कम दशकों से शुरुआत से राजनीतिक दल जनता को जनार्दन कहते आए हैं, जनता जनार्दन यानी जनता भगवान, ये तरह गया जनता जनता राक्षस है, जनता राक्षस कही जा रही, जनता को श्राप दिया जा रहा था। अभी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी अपना वोट डालने के लिए गए थे, जब वोट डाल करके बाहर निकले तो जो सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे उनमें एक ब्लाइंड गर्ल थी और उसने आवाज दी और नरेंद्र मोदी साहब उस बेटी के पास गए। वहां के कुछ वीडियो हैं मेरे पास, मैं दर्शकों को वो भी दिखाना चाहता हूँ इस पर भी। और अगर वीडियो हो तो साहब एक 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 मोदी साहब के साथ एक वो अमित शाह का भी वीडियो दिखाएं जो अमित शाह वोट डालने गए।
बच्चे कुछ बना करके लाए और मोदी की तरफ उन्होंने हवा में लहराया तो उस पर ऑटोग्राफ देने के लिए रुक गए। बीच में आपने नोट किया होगा अनुपम जी, जब वो उस ब्लाइंड गर्ल के पास गए बातचीत करने के लिए, उस गर्ल ने मोदी जी का हाथ पकड़ लिया तो एसपी जी का एक जवान आगे बढ़ा था, मोदी जी ने टोक दिया, मोदी जी ने टोक दिया और मोदी जी ने उसे रोक दिया कि ये मेरे अपने लोग हैं, यहाँ मुझे कुछ। हालांकि देखें ये बहुत सेफ नहीं है, ये बहुत सेफ नहीं ओंकार जी। मुझे मैं कॉलेज डेज में था, मुझे राजीव गांधी वाली वारदात याद है। ये बहुत सेफ नहीं है, प्रधानमंत्री को ज्यादा सुरक्षा लेनी चाहिए और खास तौर से इसलिए कि मोदी से ज्यादा तो मार्क्ड, इससे ज्यादा तो निशाने पे शादी कोई प्रधानमंत्री रहा, तो इनको थोड़ा सा अपनी सुरक्षा का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे वो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे याद नहीं, है वो मजेदार चीज, अमित शाह जा रहे थे और किसी ने आवाज लगाई अमित काका, ओए अमित काका, ओए अमित काका, ओए अमित काका, और वो रुक, जबकि अमित शाह इस तरह के अंदाज के लिए जाने नहीं जाते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ नरेंद्र मोदी के साथ रहते रहते उनके भी असर पड़ गया, वो रुक के उसी लड़के को मुखातिब हो गए तो फिर उसने जय श्री राम का नारा लगा दिया। लेकिन वो एक मजेदार पल था कि भारत का गृह मंत्री जा रहा है, छोटा बच्चा उसको रोक रहा है कि वो अमित काका और गृह मंत्री रुक जा रहा है। तो मैं ये तीन वीडियो एक्चुअल में इसलिए लेकर के आया था दर्शकों को ये बताने के लिए और ये राहुल गांधी और तमाम लोगों को बताने के लिए कि चुनाव आयोग के यहाँ मत भेजिए अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी लोगों को। अरविंद केजरीवाल जितने भी बाकी के नेता हैं वो ध्यान से देखें और देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि देखते नहीं है, ये पाखंड करते हैं, इनको पता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह क्या है और उनमें गुण क्या क्या हैं। जितनी सेंसिटिविटी आपका, आपका आपका वीडियो बहुत पॉपुलर होता है, हजारों लाखों में व्यूअरशिप जाती है। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा थोड़ा सा, एक चीज मोटी सी जान ले, चुनाव भारत सरकार नहीं कराती, चुनाव चुनाव आयोग भी नहीं कराता, चुनाव आयोग सिर्फ एक ऑब्जर्वर और ईवीएम मशीन आपके राज्य में भेज देता है, चुनाव राज्य सरकारें कराती हैं। लोकसभा में रिटर्निंग अफसर जिला कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि राज्य सरकार का नुमाइंदा होता है, और हम सब जानते हैं कि जो डीएम्स होते हैं वो मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत पसंद होते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तो वो कलेक्टर करा रहे हैं जिनको ममता दीदी ने चुन चुन के अपॉइंट किया है, उनकी कस्टडी में ईवीएम्स आते हैं जिनको वो पूरी तरह जांचते हैं, जांचने के बाद उसका एक एक जैसे टेस्ट रन लेते हैं, जब टेस्ट रन होता है तो उस जगह जितने लोग खड़े और चुनाव लड़ रहे होते हैं सब मौजूद होते हैं, उसके बाद उस ईवीएम मशीन को सही सर्टिफाई किया जाता है, उस पे सब लोग दस्तखत करते हैं। तो चुनाव जो होता है उस पोलिंग बूथ पे जो लोग होते हैं, उस इलाके में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, उस इलाके में जो जोनल मजिस्ट्रेट, ये सब राज्य सरकार के होते हैं। पूरे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आईएएस अधिकारी किसी भी दूसरे राज्य का चुनाव आयोग द्वारा भेजा जाता है, बाकी चुनाव राज्य सरकार और मुख्यमंत्री कराते हैं। इसको समझे, इन इफेक्ट प्रैक्टिकली, नंबर वन। नंबर टू, जिस बात को लेकर आरोप है कि साहब 10 दिन लग गए आपको ये बताने में कि कितनी आउटपुट हुई थी, नहीं, वो राजदीप सरदेसाई ने एन गोपाला स्वामी जो एक चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त थे मनमोहन सिंह के दौर में, 3 साल रहे 2006 से 2009, उनका इंटरव्यू किया और साहब धोखे रख दिया। उन्होंने कहा पहली बात आप समझ लें
कि जितने आंकड़े थे जिस दिन चुनाव होता है उसको पी डे कहते हैं, पी फॉर पटना पोलिंग, तो पी डे पे जिस दिन चुनाव होता है पी वन और पी टू अगले दो दिन के 48 घंटे के अंदर सारा डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर होता है और वो डेटा चुनाव आयोग नहीं डालता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अपने जिले से अपलोड करते हैं। कहा साहब, उसके बाद आप आ गए चुनाव आयोग के पास रोने मीडिया वाले कि साहब इतना डेटा हो गया, इसको कंपाइल कर दीजिए, इसका टेबल बना दीजिए और इसको क्लियर कर दीजिए। तो आप बहुत जिद किया तो उन्होंने एक टेबल बना के दे दिया 10 दिन बाद। तो आप कहने लगे इतने 10 दिन क्यों लगे? तो उसमें गोपाला स्वामी कहते हैं कि मैंने चुनाव आयोग से कहा है ये मीडिया वाले पहले तुमसे हाथ पैर जोड़ के टेबल ले गए 10 दिन बाद, और आप कह रहे 10 दिन क्यों लगे? तुम ऐसा करो कि इनको टेबल दिए ही मत करो, ऐसा करो कि जो तुमने डेटा अपलोड कर दिया वो कर दिया। तो पहली बात, उसमें 10 दिन नहीं लगे थे, पी वन पी टू 36 से 48 घंटे के अंदर पूरा डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध था, आपने कहा कि उसका टेबल बना दीजिए। दूसरी बात, चुनाव केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकारें कराती है, उसमें जो पोलिंग अफसर होते हैं, जो बाबू होते हैं, जो पुलिस के सिपाही होते हैं, जो जितने आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस के एसपीएसएस, जो कुछ भी होता है वो पूरा पैराफेरेलिया राज्य सरकार का होता है और ईवीएम उन्हीं के पास होती है, ईवीएम उनकी कस्टडी में होती है। ये भी जान लें आप अक्सर कहते हैं आप ईवीएम 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 कर, अरे भैया ईवीएम उसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कस्टडी में होती है। अगर वेस्ट बंगाल में हो रहा है तो ईवीएम का कस्टोडियन ममता बनर्जी का डीएम है, अगर उड़ीसा में हो रहा है तो ईवीएम का कस्टोडियन नवीन पटनायक का डीएम है, और तमिलनाडु में हो रहा है तो ईवीएम का कस्टोडियन स्टालिन का डीएम है। बिल्कुल सही बात कही है, और तकनीकी तौर पर जो है ये लोगों को समझ लेना चाहिए। नहीं, मैंने बहुत सिंपलीफाइड वे में बताया साहब, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ चुनाव होता कैसे, इसको जान लो। बिल्कुल सही। अनुपम जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर और एक अलग तरह के विषय पर चर्चा करने के लिए। मैं चलते चलते साहब एक छोटी सी एक आपके शो के माध्यम से एक प्रोफेसी कर दूं। सुबेरे 9:30 बजे स्वाति मालीवाल ने पहली कॉल की पुलिस थाने में कि साहब मुझे केजरीवाल ने मारा। 5 मिनट बाद दूसरी कॉल आई कि केजरीवाल की उपस्थित में मुझे मारा गया पीए द्वारा। 10 बजे स्वाति मालीवाल खुद थाने पहुंच गई, उनसे कहा गया साहब आप लिख के दें, उनके दोनों कॉल रिकॉर्डेड हैं, उनके नंबर से रिकॉर्डेड है, पुलिस कंट्रोल रूम में जब आप कॉल करते हैं तो कॉल रिकॉर्ड हो जाता है, आपका नंबर भी रिकॉर्ड हो जाता है। उनसे कहा गया कि साहब आप लिख के दें, उन्होंने कहा अभी मैं लौट के आती हूँ तब लिखित दूंगी। 10 बजे से अभी मेरी घड़ी में 7 बज रहे, तो आप बताएं लगातार स्वाति मालीवाल गायब है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनसे उन्हें के साथ मारपीट को लेकर। आप मानकर चलें कि फाइनली जब स्वाति मालीवाल प्रकट होंगी तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल उनको मना चुके होंगे और बताया जाएगा कि किस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर और मोदी ने षड्यंत्र किया। और पूरा इकोसिस्टम चुप है इस पर, एक मेंबर पूरा इकोसिस्टम चुप है, कोई एक आदमी नहीं बोल रहा है, महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी जो कि महिला आयोग की चेयरमैन थी, महिला आयोग की चेयरपर्सन थी स्वाति मालीवाल, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार, कोई ये तक नहीं पूछ रहा है कि स्वाति मालीवाल गई कहां साहब, कोई ये तक नहीं पूछ रहा है कि साहब 10 घंटे हो गए महिला गायब कहां है, इश वो जिंदा है नहीं है कहां है, मतलब मैं कहना नहीं चाहता इस बात, किडनैप हो गई, कैप्टिविटी में है, होस्टेज है, उनको उनकी इच्छा के खिलाफ रखा गया है, कोई एक शख्स पूछने को तैयार नहीं कि वेयर इज स्वाति। मुझे तो लगता है कि स्वाति मालीवाल असोल्टेड की जगह ट्रेंड होना चाहिए वेयर इज स्वाति मालीवाल, वो है कहां, और अभी अभी बंदा पूरे दिन से खामोश है, कोई चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है, भीड़ में नहीं निकला, कहीं नहीं गया, एकदम से प्रकट होगा कि मोदी जी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर दिया। और ये भी आश्चर्यजनक है कि स्वाति मालीवाल ने कॉल की, दो कॉल की, पहले कॉल कुछ की और बाद में कुछ संशोधन किए, उसमें दोनों जो है दिल्ली पुलिस की डायरी में दर्ज हैं दोनों चीजें कि पहले इन्होंने ये कहा बाद में इन्होंने ये कहा। सर डायरी में नहीं है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, आवाज की रिकॉर्डिंग है। और जब पुलिस पहुंची तो उसने आग्रह किया कि आप थाने आइए और शिकायत दर्ज कराइए, थाने गई भी
और ये कह करके वहां से आई कि मैं बाद में लिखित में शिकायत आपको दे दूंगी, और उसके बाद अभी तक ट्रेस नहीं हो रही है। बताया जा रहा है साहब कि इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि स्वाति मालीवाल पे अरविंद केजरीवाल दबाव डाल रहे हैं कि वो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे और जिन्होंने केजरीवाल को ये 10-12-15 दिन की पैरोल दिलाई है, वो उनको स्वाति मालीवाल की जगह भेजना चाहते हैं। स्वाति इसके लिए तैयार नहीं। इस तरह का प्रेशर तो वो हरभजन सिंह पर भी बना सकते हैं जो बिल्कुल चुप हैं, जिनको इन्होंने हरभजन सिंह, हरभजन सिंह से वो मिल नहीं सकते, हरभजन सिंह उनके बुलाने में आएंगे नहीं। आप इसको बताइएगा, हरभजन ने तो जो एक रुख अपना रखा है, हरभजन उनका कॉल नहीं उठाते, आप कैसी बात कर रहे हैं। वो तो स्वाति पे ही ये प्रेशर बना सकते थे और वही बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।